प्रिया, मेरे स्कूल का पहला प्यार। आज इतने सालों बाद उसे देखकर मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा थम सा गया था। और राहुल को जिस एक तरफा प्यार की कहानी मैं सुना रहा था, वही मेरा पहला प्यार मेरे सामने खड़ा था। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, जिसे हर लड़का चाहता था। वो बस बातें करती रहती और हर कोई उसे बस सुनता रहता था। स्कूल टीम की कैप्टन थी वो, सबसे उम्दा एथलीट थी। शायद उसे देखकर ही मेरी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हुई थी। आज का ये दिन, मेरा सब कुछ अटक गया उसमें। और राहुल ने जरा भी देर नहीं की अपना जादू चलाने। मैं चुपचाप वहीं खड़ा था और वो अभी से न जाने रिया का पीछा कर रहा था। मैं तो पूरी तरह से ख्यालों में खोया रहा, स्कूल की यादें और उस आखिरी दिन में। कभी हिम्मत नहीं कि मैंने मेरे मुंह से वो दो लफ्ज कहने। आज भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस एक बार उसे फिर से पुकार नहीं पाया। पर थोड़ी ही देर में राहुल बेबस सा फिर पीछे चला आया। शायद मेरी याद आई होगी, पर मैं तो अपनी ही दुनिया में डूबा वहां से निकला जैसे कोई जोगी। मैं घर लौट आया और अब सवेरे से शाम हुई, शाम से रात हो गई, और मेरी कहानी अब भी उसी पल में थमी। सच कहता हूं कि मुझे नींद नहीं आती रातों में, पर आज सोने की नाकाम कोशिश करता रहा बस कल के इंतजार में। दिल में कई सवाल थे, क्या राहुल ने उससे बात की होगी, बिना कुछ जाने उससे पहचान बढ़ाई होगी। ठीक उसी जगह उसी वक्त पर मैं राहुल से मिला आज भी, सवाल पूछने और मेरे कुछ जवाब उसे देने भी। राहुल बेचैन सा बैठा था, मेरे कुछ पूछने से पहले वो भी कुछ बताना चाहता था। उसने कहा वो लड़की अपने ही मोहल्ले में रहने आई है, पर वो पहले से ही किसी और के प्यार की परछाई है। पूरी कहानी सुनाई उसने, मैं कानों से सुनता गया। अभी तो रिया से मिला भी नहीं, मेरा किस्सा यहीं खत्म हो गया। कुछ वजह नहीं थी मेरे पास, फिर भी दिल टूट चुका था।